तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट के ट्रांजिशंस मेनू के बारे में। दोस्तों, ट्रांजिशंस क्या होता है? ट्रांजिशंस होता है परिवर्तनकाल, यानी जब भी कोई भी स्लाइड में परिवर्तन होगा तो उससे पहले उसको प्रेजेंट करने के लिए जो है आप किसी भी नया इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रांजिशन, जब आपका स्लाइड शो होने लगता है तब आप ट्रांजिशंस को जो है वहां पे रन करा सकते हैं, और स्लाइड आने से पहले वहां पे कुछ मूवमेंट होंगे तो हम करेंगे क्या दोस्तों। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला बात किया जाए तो प्रीव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रीव्यू तब यूज किया जाता है जब आप कोई ट्रांजिशंस यूज कर लेंगे। तो हम लोग बात करते हैं स्लाइड पे, आपको जो है किसी भी लेआउट पे नहीं लगाने की आवश्यकता है, ये स्लाइड पे अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो देख रहे हैं आप ग्रुप दिया हुआ है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, मतलब इस ग्रुप के अंदर से हम बहुत सारी स्लाइड को लेंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करिएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। अब इसमें से जो भी आप ट्रांजिशन से लगाना चाहते हैं, जब आपका स्लाइड प्रेजेंट होगा तो वो मूवमेंट होगा उस समय, तो यहाँ पे जैसे हम सबसे पहला ले लेते हैं ड्रैप, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ट्रांजिशन आएगा जब आपका स्लाइड शो होगा। तो स्लाइड शो करने के लिए करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड से फंक्शन की के साथ में जो है F5 बटन प्रेस करना है, या तो आप जो है स्लाइड शो मेनू में जाइएगा और यहाँ फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं ये इस प्रकार से प्रेजेंट हो रहा है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे मैं दूसरा स्लाइड लगा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ इस प्रकार से। तो जब आप स्लाइड शो मेनू पे जाइएगा और यहाँ से जब फ्रॉम बिगनिंग से इसको रन कराइएगा तो देखिए ये इस प्रकार से स्लाइड आएगा आपका। मैं यहाँ स्लाइड में कुछ लिख देता हूँ ताकि वहां प्रेजेंट होते समय आपको दिखे। मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ, और इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं। होम पे जाएंगे और यहाँ से इसको बोल्ड कर लेंगे, साइज बढ़ा लेंगे और यहां से इसको कलर कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, हम लोग स्लाइड शो पर जाएंगे, फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस प्रकार से ये स्लाइड आएगा। यदि दूसरा ट्रांजिशन लगाना होगा तो यहाँ पे आप आइएगा, यहां से आप कोई भी ट्रांजिशन नया अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब दोबारा हम इसको रन कराएंगे तो ये इस प्रकार से रन होगा। अगला दोस्तों, जो भी आप ट्रांजिशन लगाए रहते हैं उससे संबंधित आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। अगला है दोस्तों, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रांजिशन आप लगाते हैं तो यहाँ पे इफेक्ट कुछ आते हैं, उसको प्रेजेंट होते समय आप किस तरफ पे ले जाना चाहते हैं। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे मैंने वाइप लगाया हुआ है, वाइप क्या करेगा जो है ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। देखिए, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ, देखिए इस प्रकार से आएगा। यदि आप इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो इफेक्ट ट्रांजिशन पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारा डायरेक्शन दिया हुआ है, जैसे फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम। जैसे देखिए अभी राइट की तरफ जा रहा था, अभी मैं इसको जो है टॉप पे कर देता हूँ, तो देखिए ये टॉप से आ रहा है। यदि आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ये जो इफेक्ट होता है ये सभी स्लाइड पर अलग अलग जो है जब आप ट्रांजिशन लगाते हैं तो अलग अलग इफेक्ट आ जाते हैं। जैसे देखिए, मैं स्प्लिट लेता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे इफेक्ट बदल चुका है। अभी यहाँ पे जाएंगे, देखिए स्प्लिट, स्प्लिट में जो है वर्टिकल आउट है, हॉरिजेंटल इन है, हॉरिजेंटल आउट है, वर्टिकल इन है। अगर आप ऐसे करते हैं तो देखिए ये यानी अंदर से जो है वो हॉरिजॉन्टल में खुलेगा। यदि आप इसको कर देते हैं तो वर्टिकल आउट यानी बाहर की तरफ जाएगा जो है वर्टिकल में, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो भी आप ट्रांजिशन लगाते हैं उस हिसाब से इफेक्ट बदल जाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ये वाला जो है ट्रांजिशन लगाया, अभी यहाँ इफेक्ट देखिए केवल दो आ रहा है, एक वर्टिकल कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, वर्टिकल करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी जो है यहाँ पे ट्रांजिशंस का यूज कर सकते हैं और अपने जो है स्लाइड को प्रेजेंट करते समय थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, हनी कॉम्ब करके है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट होगा। अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, स्लाइड शो पे जाइएगा और यहाँ फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये रन होकर के आ रहा है। आप माउस आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जो है दूसरे वाले स्लाइड पे जाएगा, फिर बाहर निकल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड और जोड़ के दिखाता हूँ, फिर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो इंसर्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक नया स्लाइड को ऐड कर लीजिएगा।
यार मैंने तीन स्लाइड ले लिया है, तो हम तीनों स्लाइड पे एक अलग अलग पिक्चर लगाते थे ताकि हमको पता चलेगा कि कौन से स्लाइड पे कौन सा मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम जाते हैं इंसर्ट पे और यहाँ पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से तीन पिक्चर ऐड कर लेंगे। यहाँ हमारे कंप्यूटर लोकेशन में चला जाएगा, मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और यहाँ से पिक्चर को ऐड कर लगा। ये सब मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक मैंने यहाँ पे ये स्लाइड ले लिया है पिक्चर, अब दूसरे स्लाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी पिक्चर को ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तीनों स्लाइड पे मैंने एक एक पिक्चर ऐड कर लिया। अब हम सभी स्लाइड पे जो है अलग अलग ट्रांजिशंस लगाएंगे। तो पहले स्लाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ट्रांजिशंस पर, और पहला हम यहाँ से ले लेते हैं रिपल करके है, ये मैं इसको ले लेता हूँ। और दूसरे स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ नया अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं ये ऐड कर लेता हूँ। और तीसरे पे जाएंगे, यहाँ पे हम दूसरा अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे मैं ये ऐड कर लेता हूँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पहले पे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लाइड लगा है, ये दूसरे ये तीसरे पे। अब इसको हम जाएंगे स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये पहला आ गया, अभी ये माउस क्लिक पे है तो हम माउस क्लिक करेंगे तभी दूसरे स्लाइड पे जाएंगे। देखिए मैंने माउस से क्लिक किया, अब देखिए दूसरा स्लाइड आ गया, फिर तीसरा स्लाइड आ गया। माउस से क्लिक करना, देखिए ये सभी स्लाइड जो है वन बाय वन अलग अलग ट्रांजिशन के साथ में प्रदर्शित हो रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप माउस से क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, ट्रांजिशन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है साउंड का। पहले साउंड यदि आप लगाना चाहते हैं जब प्रेजेंट हो आपका स्लाइड, जो आपका जो है स्लाइड आने लगे तो जो ट्रांजिशन आप लगाए हैं उस पर सॉन्ग भी लगा सकते हैं, कोई छोटा सा साउंड है तो यहाँ पे आप कोई भी जो है यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे जब ये प्रेजेंट होगा तो उस समय ये जो है साउंड बजता है, तो आप किसी पे भी क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो है देखिए मैंने ये पहले पे लगाया, दूसरे पे भी लगाना चाहते हैं दूसरे पे भी लगा सकते हैं आप, और तीसरे पे क्लिक करिएगा स्लाइड पे और तीसरे पे स्लाइड पे लगा सकते हैं। तो हमने जो है सभी पे वन बाय वन एक लगा दिया हुआ है। अब दोस्तों लगाने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन मतलब ये कितने टाइम के बाद जो है पूरा अच्छे से प्रेजेंट होगा आपका आपका ट्रांजिशंस। तो जैसे मान लीजिए आप ये जब प्रेजेंट करेंगे तो ये कितने, देखिए यहाँ पे सेकेंड वाइज है तो मैं इसको जो है देखिए मैं यहाँ 3 सेकेंड कर देता हूँ, और दूसरा वाला जो है ये प्रेजेंट होगा केवल हमारा 2 सेकेंड पे, मैंने इसको 2 सेकेंड कर दिया। और तीसरे वाले पे जो है मैं यहाँ पे 1 सेकेंड कर देता हूँ। तो ये देखिए पहला वाला 3 सेकेंड पे है, दूसरा वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड, और तीसरा वाला जो है 1 सेकेंड पे उसका। दोस्तों ये करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है जो है एडवांस स्लाइड, इसमें है पहला है ऑन माउस क्लिक, यानी जब भी आप स्लाइड को चेंज करना चाहते हैं तो माउस को क्लिक करेंगे तभी चेंज होगा। यदि आप चाहते हैं माउस से क्लिक ना करें तो आप यहाँ पे देखिए आफ्टर पे क्लिक करिएगा और माउस को अनटिक कर दीजिएगा। आफ्टर को टिक करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हैं, मतलब कितने देर बाद जो है आपका जब स्लाइड समाप्त हो जाएगा ट्रांजिशन खत्म हो जाएगा तो आपका कितने देर बाद चेंज होगा दूसरे स्लाइड पे मूव करेगा। तो आप यहाँ पे जैसे मैं देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड दे देता हूँ, 1 सेकेंड बाद ये मूव कर जाएगा, मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड दे दिया। अब ये सारा सेटिंग करने के बाद आपको एक ध्यान देना है कि आपको यहाँ अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है, इससे क्या होगा दोस्तों ये सारा सेटिंग जो है क्लियर हो जाएगा कि ये जो जो अप्लाई किया है मैंने ये जो है वहां पे बजेगा और यहाँ पे साउंड भी आएगा ड्यूरेशन भी रहेगा और ये जो है बिना माउस को क्लिक किए स्लाइड चेंज हो जाएगा 1 सेकेंड के बाद। मैंने यहाँ अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया और स्लाइड शो पर जाएंगे और यहाँ फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये 3 सेकेंड लगभग जो है वो लिया है पहला वाला स्लाइड, देखिए दूसरा सेकेंड जो है स्लाइड 2 सेकेंड लिया है और तीसरा वाला स्लाइड जो है 1 सेकेंड में देखिए ओपन हो चुका है। अब ये जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। तो ये मैंने माउस को क्लिक नहीं किया फिर भी ये काम किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आफ्टर जो है सिलेक्ट किया था और टाइम जो है दिया था 1 सेकेंड। यदि आप चाहते हैं कि बिना माउस को क्लिक किया आपका स्लाइड चेंज होता रहे तो आपको यहाँ माउस को जो है अनटिक करना और यहाँ पे आफ्टर पे कर देना है। इस बार दोस्तों देखिए ऑन माउस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ आफ्टर वाले को अनटिक करूंगा और इस बार अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करूंगा। अप्लाई टू ऑल पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद ही ये सब सारा काम करेगा सिस्टम। फिर उसका ट्रांजिशन पे जाएंगे स्लाइड शो पर और यहाँ पे जो है फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया, 3 सेकेंड लगभग लेगा, पर जब तक मैं माउस को क्लिक नहीं करूंगा ये दूसरे स्लाइड पे मूव नहीं करेगा। देखिए मैं माउस को क्लिक करता हूँ, अभी देखिए दूसरे स्लाइड पे आ चुका है। यदि अब दोबारा मैं क्लिक करूंगा तब तीसरे स्लाइड पे शो करेगा, देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो तीसरे स्लाइड पे आ चुका है।
यदि दोस्तों आप स्लाइड शो करके नहीं देखना चाहते हैं तो यदि आप चाहते हैं तो यहाँ स्लाइड लगाने के बाद आप प्रीव्यू पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पे शो करेगा, तो यही पेज पे ही दिखता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अब आ रहा है। तो ये दोस्तों जो है आपका पावर पॉइंट का ट्रांजिशन मेन्यू था, जो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया। यदि कोई समस्या होता है, छोटा सा मेनू है, आपको जरूर समझ आएगा। बहुत सारे इसमें बेसिक्स ऑप्शन है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, छोटे छोटे ऑप्शन है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अप्लाई टू मेन है, यदि आप ये करेंगे तभी सारे सेटिंग्स आपके जो है अप्लाई हो जाएंगे सभी स्लाइड पर। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों तक शेयर करिए, यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।